फ्यूचर में चेंज नहीं होने वाली है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहूँ कि ताजमहल कहाँ पर है ताजमहल हमारा आगरा में किसने बनाया शाहजहाँ ने बनाया तो ये चीज़ कभी फ्यूचर में तो चेंज होने वाली नहीं है आते तो उसका नाम चेंज हो जाए कि भाई वो अकबर ने बनाया या औरंगजेब ने बनाया तो ये चीज़ होने से रही ठीक है तो मैं ये सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ और मैं सबसे पहले ही जो टॉपिक कराऊंगा वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मतलब बहुत जगह मैंने देखा आता है ये खुद मैं भी पढ़ जब पढ़ रहा था तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा मुझे तो इसमें क्या था कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले मैं इसको तीन में बांटूंगा कि अलग uh, अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग देशों में है तो मोस्टली आपके न्यूयॉर्क में है जेनेवा में है फिर वियना में है फिर कुछ लंडन जो आपके इंग्लैंड वगैरह में आ जाते हैं तो ऐसे ऐसी चीजें तो सबसे पहले मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पहला पार्ट करूंगा जो कि होंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर इन यू एस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ओके तो यूनाइटेड नेशन का आपने बहुत नाम सुना होगा जो मतलब तैयारी वगैरह कर रहे हैं बैंकिंग वगैरह या एस एस की यू पी एस तो उसमें उन्होंने यूनाइटेड नेशन क्यों बनी अब ये जो क्वेश्चन अराइज में कर रहे हूँ कि ये सिर्फ एग्जाम पर्पज़ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है आम जनरल भी जब पब्लिक अपने टी वी वगैरह सेट पर देखती है जो मतलब एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की थी तो उनको भी ये सुनने को मिलता है यूनाइटेड नेशन में ये हो गया यूनाइटेड नेशन में आज ये मीटिंग थी ये उन्होंने निर्णय निकाला तो और वर्ल्ड बैंक वगैरह आई एम तो बहुत नाम सुनने को मिलते हैं पर उन्हें ये पता था एक्जैक्टली ये फाउंड क्यों हुए हुए थे इनका परपज़ क्या था तो मैं उस पर थोड़ी बहुत लाइट डालूंगा जिससे आपको ये टॉपिक बड़ा मतलब बड़ा लाइट सा लगने लग जाएगा उसके बाद ठीक है तो पहला यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन क्यों फाउंड हुआ था कि आज के पीछे रीज़न थे तो बहुत सारे रीज़न था यूनाइटेड नेशन फाउंड होने का साथ रीज़न यही था कि वर्ल्ड वॉर टू वर्ल्ड वॉर टू दो हमारी वर्ल्ड वॉर हुई है बेसिकली पहली बन हुई थी 1914 से लेकर 1918 तक अब 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर हुई तो उन्होंने देखा कि यार जब चार साल ये वर्ल्ड वॉर चली तो हमें बहुत नुकसान हुआ अब चार साल जब चली तो बहुत सारे मतलब सोल्जर मरे पीछे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ बहुत कुछ हुआ तो उन्होंने एक तरह से एक चीज स्टार्ट की जिसको कहा लीग ऑफ नेशन अब लीग ऑफ नशनों ने ये स्टार्ट की थी सोच के कि हाँ इसको स्टार्ट करेंगे हम इसमें मीटिंग करने के बाद ये निर्णय पर आएंगे कि भाई हमें आगे से ऐसी लड़ाई नहीं चाहिए आपस में अपने मतभेद इस जरिए सॉल्व कर लेंगे पर यह तो होने से रहा इंसान की, की प्रदिति ऐसी है कि वो मतभेद तो उसमें होते रहते हैं तो उसके बाद कुछ सालों बाद जाके फिर से वर्ल्ड वॉर टू हो जाती है ठीक है तो वर्ल्ड वॉर वन फोर्टीन से एटीन हुई थी किसके बीच में हुई थी सेंट्रल एंड अलाइड पावर के बीच में दूसरी कब होती है थर्टी नाइन से लेके फोर्टी ठीक है थर्टी से फोर्टी पहले फोर्टीन टू एटीन ठीक है उसके बाद दूसरी ट्रेड नाइन से फोर्टी फाइव और दूसरी होती है अलाइड एंड एक्सेस पावर के बीच में तो उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू के बाद जन्म मतलब किसकी प्रेजेंस होती है यूनाइटेड नेशन की अब यूनाइटेड नेशन बना किस लिए था इसमें देखिए कुछ आपको चीजें देखने को मिल रही होंगी यूनाइटेड नेशन बना तो उसका मेन फंक्शन ये था कि भाई इंटरनेशनल पीस हम उसके बाद करेंगे सिक्योरिटी बनी रहेगी कि आपस में लड़ाई नहीं हो जाएगी कि हाँ भाई आज मीठे मीठे बात करने कल आपकी लड़ाई हो गई उसका फ्रेंडली रिलेशन बना रहेगा कुछ अचीव करना है इंटरनेशनली मिलकर तो हम आपस में कॉपरेशन रहेगा तो ये सब इसके मेन पीछे रीजन थे जो इसकी पे ये पूरा यूनाइटेड नेशन खड़ा हुआ है तो यूनाइटेड नेशन से अगर क्वेश्चन आता है तो यूपीएससी के लेवल से देखो तो बहुत क्वेश्चन आते हैं कि कब ये बना तो लीग ऑफ नेशन के बाद फर्दर इसमें इम्प्रूवमेंट हुई फिर इतने मेंबर 51 मेंबर थे 193 मेंबर फिर उसमें बन गए तो ये सब चीजें इसके अंदर होती हैं अब उसके बाद मेन चीज है उसमें अंदर क्या आते हैं दो अगर आपको एसएससी लेवल है बैंकिंग लेवल से देखें तो ये पर्टिकुलर ये पूछता है कि करंट इसका हेड कौन चल रहा है जैसे कि इसमें सिक्योरिटी जनरल होते हैं तो अभी वो एंटोनियो गुटरेस चल रहे हैं और इनका ये हेडक्वार्टर तो चला आपको ये तो अब सिंपल ही हो गया अब के लेवल में तो क्वेश्चन थोड़े एडवांस आने लगे हैं ये न्यूयॉर्क सिटी में है तो पर्टिकुलर मेबर कितनी अभी के टाइम में वन नाइनटी है जब शुरुआत हुई थी तो फिफ्टी वन मेंबर थे तो ये कुछ क्वेश्चन आते हैं तो इसमें आपको इतना बोर नहीं करूँगा ये तो जो पढ़ने वाले हैं ये तो इससे पढ़ सकते हैं ठीक है तो स्टार्टिंग में आपको बस इतना पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हुई थी कब वो बना था किस आ, मतलब क्या कहते हैं कहां पर इनकी मीटिंग हुई थी ट्रीटी ऑफ साइल्स वगैरह भी बहुत कुछ में आ जाते हैं तो उसका जब सेपरेट टॉपिक रहूंगा तब होगा तो अभी फिलहाल आपको बस इतना पता करना है कि इनका ऑर्गेनाइजेशन न्यूयॉर्क सिटी में इनका हेडक्वार्टर है इतने मेंबर हैं वन नाइनटी और ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद आई थी ओके चलिए आगे चलते हैं ठीक है अब एंटोनियो गुटरस की फोटो भी लगा रखी है मैंने ठीक है एंटोनियो गुटरस देख लो बच्चे से अब ये आपको कभी न्यूज पर दिखी जाएगा थोड़ी दिन में ठीक है उसके बाद दूसरे अब ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं क्या होता है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ है यूनिसेफ की फुल फॉर्म आप सबसे पहले ये पूछ लेंगे कितना लंबा सा नाम है क्वेश्चन में तो आजकल यही पूछ लेते हैं कभी कभी छोटे मोटे एग्जाम्स में कि यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है अब कोई इसमें कहता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड कह देता है पर एजुकेशन फंड नहीं है यहाँ पे इमरजेंसी फंड है ठीक है अब जैसा तो नाम से आपको पता चल रहा होगा यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड अब यहाँ पे आपको चिल्ड्रन दिख रहा होगा कहीं ना कहीं ठीक है अब चिल्ड्रन दिख रहा है तो कुछ उसमें ऐसा हुआ होगा कि ये चिल्ड्रन के लिए बना होगा तो यही है कि इसमें चिल्ड्रन के लिए क्या है इसमें चिल्ड्रन के लिए ये है कि जब हमारे ये वर्ल्ड वॉर चले थे वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू वर वर तो इसमें चिल्ड्रंस का भी बहुत नुकसान हुआ था वॉर तो ऐसी सिचुएशन है उसमें नुकसान ही उसका कोई फायदा नहीं है आज तक वॉर करके कर कोई भी चीज़ जीता नहीं है ठीक है कोई भी बंदा कि हाँ भाई कह दे कि हम खुश हूँ अब न्यूज़ चैनल पे आजकल डिबेट चलती रहती है कि पाकिस्तान से वॉर कर लो चाइना से वॉर करो पर लेकिन वो न्यूज़ चैनल पे ही सही लगती है वो असल में तो वो एंकर्स तो खुद जा करने से रहे वो कुछ भी नहीं करते हैं बस उनको बस चाहिए उनको ये नहीं पता कि असल में जवान कितने मरते हैं कितनी कैजुअलिटीज होती हैं तो ये तो कहने की बात बातें ठीक है तो जब वॉर होता है तो यहाँ पे चिल्ड्रंस को भी बहुत सारा नुकसान होता है वो बेचारे एक तरह से चिल्ड्रंस ही हमारे जो कहा जाता है कि वही प्ले करते हैं कंट्री को बनाने में बिल्ड करने में उनका ही रोल होता है अगर वही मतलब अपने डेवलपमेंट से रह हैं उनकी एजुकेशन रह जाता है वॉर इतने साल चला उनकी एजुकेशन रह गई वो बेचारों को अच्छे से खाना नहीं मिल रहा उनकी मतलब तो कोई इतनी प्रॉब्लम आ रही है उनमें क्या तो कहते हैं इतना न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सब हुआ तो जब ये इस्टेब्लिश हुई थी ये और मैंने पीछे थोड़ा सा एक चीज मिस कर दिया कि किशन स्टाबलिश नाइटी फोर्टी 1945 में आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर 44 तक चली थी वो 1939 से 45 तक चली थी तो 44 से स्टार्ट हो गया था 45 तक वो हो गई थी तो उसके बाद इसकी स्टैब्लिशमेंट कब इसकी स्टैब्लिशमेंट के आपके यहाँ पर देख रखे वन सेकंड ठीक है तो के इस्टाशमेंट का दे रखा है कि नाइनटीन में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई है ठीक है और इसमें टोटल मैंबर कितने हैं वन नाइनटी उसमें टोटल मैंबर है तो हमें वन सेकेंड कहाँ पर है

कि हाँ भाई हम चिल्ड्रन को स्पेशली उनको देखेंगे कि हाँ उनकी ट्रीटमेंट सही से हो उनको डिसीज से प्रिवेंशन इम्यूनिटी आई उनमें ठीक है और उसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो उनकी कोई एच आई वगैरह जो उस टाइम बीमारियाँ फैली थी उनसे हो सैनिटेशन न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन प्रमोशन ऑफ़ एजुकेशन ये चीज़ें हुई तो ये सब चीज़ें इनके पे ध्यान देने के लिए बनाई गई थी उसके बाद अब से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि इंडिया में कब यूनिसेफ आया तो वो आया था नाइनटीन फोटी में अपना काम करने ठीक है नाइन फोटी नाइन में आता है फिर 1953 में इसको यूएन अपना पार्ट बना लेती है यूएन कहते हैं कि तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से हम तुम्हारे पेरेंट वो बन जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन तो हम तुमको हेल्प करेंगे तो यूनाइटेड नेशन जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन देखें जिसमें अगर यू एन आगे आगे ना तो वो यूनाइटेड नेशन का ये यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन एजुकेशन यूनाटेड नेशन प्रोविडेंट नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम तो ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यूनाइटेड ने यू एन आगे आ गया, गया, गया तो यूनाइटेड नेशन का ही पार्ट है ठीक है अब उसके बाद में कुछ फैक्ट ये भी है कि अगर वो थोड़ा यू पी एस सी लेवल पर हो जाते हैं कि एक, एक पर ईयर इन्होंने थ्री बिलियन वैक्सीन्स बनाती हैं जो बच्चों को बचाती है 1965 में इनको नोबल प्राइज मिला था नोबल प्राइज किसके ऊपर मिलते हैं नोबल प्राइज मिलता है आपका एल्फर्ड नोबल का नोबेल कौन थे नोबेल ने क्या था? किया था उन्होंने किसका आविष्कार किया था एनी उन्होंने आविष्कार किया था डायनामाइट का ठीक है तो अब उसके बाद इनकी वो कौन है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हर ऑर्गेनाइजेशन और का क्या होता है जैसे कि यूनाइटेड नेशन के आपका यूनाइटेड नेशन के ये सेक्रेटरी जनरल थे एंटोनियो गुटरेज पर लेकिन यूनिसेफ का कौन होता है यूनिसेफ का एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव क्या होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है अभी कौन है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैनरेटा है, है है फोर हैडरीटा एच फोर ओके आगे आ जाइए उसके बाद देखिए इसमें क्या अगले नेक्स्ट है इंटरनेशनल मॉनिटरी फाइट जिसको क्या कहते हैं आई एम एफ हम आई एम एफ के बारे में भी आपने सुना होगा आई एम एफ का ये दो दो ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके यूएसए में है और ये है आपकी डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया वाशिंगटन में वाशिंगटन में है इसमें दो ऑर्गेनाइजेशन कौन से फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दूसरी कौन है वर्ल्ड बैंक दोनों ही लोन देती है पर इनमें एक छोटा सा डिफरेंस है कि लोन एक कब देती है क्यों देती है वही मैं आपको बताता हूँ ठीक है तो देखिए आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिस्टम ठीक है अब यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपको दिख रहा होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर क्या है वाशिंगटन डीसी में ठीक है वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर अब ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड क्या करता है सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपको ये पता करना पड़ेगा इंटरनेशनल जो मोनिट्री फंड है वो नाइन्टी पहले तो इसका फाउंडिंग डेट दिखाई नाइनटीन फोर्टी फाइव में हुआ था ठीक है इसमें करंटली वन एटी नाइन मेबर हैं ये सब ठीक है अब इंटरनेशनल मॉनिट्री फंड क्या करता है वो एक तरह से यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ का ग्रुप है ये ग्रुप सिर्फ किन कंट्रीज़ का वन एटी नाइन जिसके मैंबर है इंडिया भी इसका पार्ट है और यूएसए भी इसका पार्ट है ठीक है तो ये सारे मिल क्या करते हैं ये एक तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं एक तरह से आपकी जैसे कि अगर हम मैं आम भाषा में कहूँ तो कमेटी डालते हैं एक तरह से जो आप जनरली आप अपने लोकल में सुनते होंगे कमेटी डालते हैं क्या करते हैं एक तरह से पैसे इकट्ठा करते हैं और जिसको भी मतलब लोड होती है जिसको भी पुअर कंट्री को जरूरत हो उसको देते हैं अब ये याद रखना कि जैसे कि इसमें पहले तो इसका मोटो देख लीजिए क्या है ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में ये इस्टैब्लिश हुआ था ये भी याद रखना वो थोड़ा सा मतलब डीप में नॉलेज हो जाती है तो अब जैसे इसमें क्या कह रहा है कि टू तो प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट स्टेनबिलिटी ग्रोथ रिड्यूस पॉवर्टी ऐसे अब ये जो आई एम एफ को मैं थोड़ा इससे ना बताता हुए आपको ऐसे ही बताया था आई एम एफ जो इस्टेब्लिश हुई थी तो उनका मेन काम ये था कि ऐसा करते हैं कि भाई इतनी सारी कंट्री हैं जो आ, वो सारे मिलके एक फंड इकट्ठा करते हैं थोड़ थोड़ा थोड़ा अपना कोटा डालते हैं ठीक है कोटा सिस्टम होता है इसमें अलग अलग कंट्री का कोटा बना हुआ है कि आपकी इतनी इनकम हुई है या इतनी आपके जी बनी है तो आप इतना सारा कुछ इतने इतने पैसे दो तो सबसे इसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा तो पैसे जो कंट्रीब्यूट करता है वो यू एस है तो एक एक तरह से इकट्ठा करते हैं कमेटी डालते हैं मतलब पैसे इकट्ठे करते हैं और जो भी ऐसी कंट्री होती है जिसको बहुत फाइनेंशियली लोड है यहाँ पर समझना पड़ेगा आपको वर्ल्ड बैंक और आई में यही जरूर वो है अब आईएमएफ क्या करते हैं कोई ऐसी कंट्री जिसमें क्राइसिस आ गई है जिसकी बहुत बुरी हालत है जो डेस्परेटली नीड है किसी को पैसे की जो उसको प्रोवाइड करता है कि हाँ भाई आपको जो है फॉर एग्जाम्पल अब पाकिस्तान की डेस्परेट नीड है मार्केट जिनकी इकनॉमी बिल्कुल डाउन हो गई है या कोई अफ्रीकन कंट्री उनकी इन बहुत डाउन हो गई तो उनको पैसा देगी पर यह मेम्बर को ही देगी याद रखना सिर्फ मैंबर कंट्री जो उसमें मैंबर है तो उनको ये पैसा प्रोवाइड करते कहते कि तुम इस क्राइसिस से उभर हो इस क्राइसिस में तुम्हें मतलब तो ये बेसिकली ये फाउंडी इसलिए हुई थी कि कोई भी कंट्री डूबे ना मतलब ऐसी भी सिचुएशन आ जाए कि उसमें उनके लोगों की बुरी हालत हो जाए कंट्री की बुरी हालत वो खड़ी ना हो पाए तो वो उनको बचाने के लिए उन्होंने एक तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया जिसमें वो पैसा उन टाइम प्रोवाइड करते हैं कि, कि कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पर उनकी बुरी हालत हो जाए तो वो करे अब बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें थोड़ा बहुत देख लेते हैं इसमें दो मिनट यहाँ पे आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला सिस्टम होगा बैलेंस ऑफ पेमें पेमेंट इसमें क्या होता है बैलेंस हो पेमेंट मतलब का मतलब ये होता है कि जैसे कि दो चीजें होती हैं ये थोड़ा सा कॉमर्स का टॉपिक हो जाएगा कॉमर्स के रिलेटेड बच्चों को ज़्यादा समझ आएगा कि दो चीजें होती हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बेसिकली ठीक है किसी कंपनी ने इंपोर्ट बहुत कर इंपोर्ट मतलब वो इम्पोर्ट का मतलब होता है कि किसी की दूसरी कंट्री से सामान लेके आना मान के चलो फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान है पाकिस्तान यूएसए से बहुत सामान मंगा रहा है या चाइना से मंगा रहा है चलो चाइना का के चलो पर उनके अब देने के लिए पैसे नहीं है तो वो इनके पास जाएगा आईएमएफ से उधार मांगेगा कि यार हमें ना हम बहुत मुश्किल हालत है हमें बाहर से चीज़ें मंगवानी पड़ रही है और हमें इनको देने के लिए पैसे नहीं है तो आप हम थोड़ी हेल्प कर सकते तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है तुम्हारी बुरी हालत है तो तुम थोड़े पैसे ले लो और उनका कर्ज चुका दो जो तुम्हें तो तुम तो इम्पोर्ट किया सामान वो चीज़ें तुम कर दो ठीक तो है।, है।, है तो याद रखना ये 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 चीज़ें होती है तो इनमें धीरे धीरे फाइनेंशियल हेल्प करता है भाई ये याद रखना आई हमेशा किसी कंट्री को बुरी सिचुएशन से निकालने के लिए फंड प्रोवाइड करती है वर्ल्ड बैंक अलग है वर्ल्ड बैंक है इसमें ही एक डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ ठीक है आपको एक और ये चीज़ है इसमें देखिए सबसे इसमें मैंने परसेंटेज कोटा बता रखा है जैसे सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट पैसा देती है फिर धीरे धीरे जापान फिर चाइना फिर जर्मनी फिर फ्रांस यूनाइटेड किंगडम फिर, फिर इटली फिर इंडिया का आता है नाम ठीक है तो अब ये धीरे धीरे जितना इसमें पैसा देगी अब जो ज्यादा पैसा देगा अब इनका फायदा क्या होता है जैसे कि ये कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं इसमें कोटा अपना दे रहे हैं तो फायदा है ये होता है कि जितना ये कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं उतना इनकी परसेंटेज बढ़ती है इनमें वोट देने की ठीक है वोटिंग परसेंटेज यू एस की सबसे ज़्यादा इसलिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पैसे भी डोनेट करता है और इंडिया की भी थोड़ी बहुत है क्योंकि थोड़ा बहुत वो भी करता है ठीक है तो जिस लेवल पर आप पैसा डोनेट करो उतनी आपकी वोटिंग पावर इसमें बढ़ती है ठीक है तो ये है अब इसमें आता है मेन आपका क्वेश्चन वन सेकेंड अब हाँ इसमें देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये भी है अभी मैं इस स्लाइड को बड़ी कर रहा हूँ तो इसमें आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी ठीक है मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है क्रिस्टेलिया जो गर्बिया और दूसरा क्या चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ठीक है तो ये हमारे बड़ी फक्र की बात है कि हमारे इंडियन मूल की गीता गोपीनाथ जो केरला में ए, मतलब केरला के मिनिस्टर की वो हेल्प मतलब वहाँ पे उनके फाइनेंशियल वो देखती थी और वो वहाँ से उठ के चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनिट्री फंड की आज के टाइम बनी हुई है ठीक है ठीक है अब यहाँ पे एक और वर्ड आपको दिख रहा होगा इनकमेंट इंकमेंट का मतलब होता है जो पर्टिकुलर पोजीशन को हेल्ड कर रहा है मतलब पर्टिकुलर पोजीशन को पे है ठीक है तो अभी ये उस पोजीशन पे है अभी इन्होंने प्रिस किसको किया है ठीक है अब देन ये है ये यहाँ की मैनेजिंग डायरेक्टर है आई एम ठीक है ओके अब मेन इनमें डिफरेंस इन क्या होता है वर्ल्ड बैंक और मॉनिटरी फंड में अब दोनों अब मोनिटरी का मतलब ही होता है पैसे से रिलेटेड वर्ल्ड बैंक का मतलब ये कि पैसा दे रहा है ठीक है अब अब देखिए इसमें सिचुएशन क्या है फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे एक लेते हैं दो पर्सन है यहाँ पे ठीक है एक है आपका बिजनेस मैन और एक है पेशेंट या ऐसा ऐसा बने तो पेशेंट है ठीक है तो आई एम एफ क्या करता है किसी पेशेंट को पैसा देता है कि एक बंदा है जो बहुत सफ़र कर रहा है बेचारा बेड पे है ठीक है उसके बाद पैसा बिल्कुल नहीं है ठीक है वो आई एम एफ क्या करेगा कि हाँ भाई कोई बात नहीं तेरा तो पैसा बिल्कुल नहीं खाने के लिए दवाई के लिए पैसा नहीं मैं तेरी हेल्प करता हूँ ठीक है तो इस सिचुएशन का बाहर नॉर्मल अपनी लाइफ में आ जा ठीक है उसकी हेल्प करता है वो कौन है आई ठीक है पर वर्ल्ड बैंक कौन है ठीक है वर्ल्ड बैंक बिजनेस को पैसे देता है अब मांगे तो इस बंदे का पहले ही दो हैं ये कह रहा है कि यार मुझे तीसरी फैक्ट्री भी खोलनी है ठीक है तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक पैसा देता है वर्ल्ड बैंक हमेशा ग्रोथ के लिए पैसा देता है डेवलपमेंट के लिए पैसा देता है ठीक है तो ये यह यहाँ पे डिफरेंस है पैसे दोनों ही देते हैं लोन के तौर तो पे देते हैं पर लेकिन वर्ल्ड बैंक देता है एक तरह से जहाँ पे उनको ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट दिख रहा होता है मान के चलो इंडिया में अब प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें पैसा चाहिए क्या करना है हमने ना कुछ नई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में पैसा स्पेंड करना है वो करना है तो अब उन्हें पता है कि कल ये डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट पे पैसा स्पेंड हैं टैक्स के तौर पे पैसा आएगा तो वापस हमारे को ये इंटरेस्ट के साथ चुका देंगे ठीक है तो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में वर्ल्ड

ठीक है तो बस यही था इसमें मॉनेटरी फंड में कंट्रीब्यूशन करते हैं वो कोटा के हिसाब से होता है कि जितने लोग जितना पैसा इकट्ठा करते हैं डालते हैं उसमें तो उतने वो कोटा होता है ठीक है और इसमें क्या तो कहते हैं एक तरह से सिचुएशंस होती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह तो ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत ये थोड़ी सी डीप नॉलेज होती है बस बै, तो को आप इस तरह से कहानी लेके चलिए ठीक है तो चीज़े है। ये चीज़ें होती हैं ओके गीता गोपीनाथ जो उनकी वो है अब आ जाओ अगली चीज़ अब अगला ऑर्गेनाइजेशन है द वर्ल्ड बैंक ठीक है तो यही हमने जब इसके में पढ़ा तो वर्ल्ड बैंक क्या करते हैं वर्ल्ड बैंक बनी किस लिए थी तो वर्ल्ड बैंक बनी इसलिए थी कि हाँ भाई ग्रोथ अब जैसे वर्ल्ड बैंक की अब ये मैंने को पता दो है दो ऐसे हैं जिनकी अ, अ, मतलब हेडक्वार्टर वाशिंगटन में वाशिंगटन में, में है तो इसमें पहली वर्ल्ड बैंक और दोनों ही मनी से रिलेटेड है ठीक है तो ये कब बनी थी ये नाइनटीन फोर्टी फोर में बनी थी उसके बाद अब ये इसका क्या इसमें अब याद ना वर्ल्ड बैंक में ये क्वेश्चन तो सबको पता होता कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है कौन इनका भी वो चल रहा है अभी इनका पर्टिकुलर डेवी मालपास डेविड मालपास चल रहे हैं मालापास करके एक आदमी है जो तो इंडिया में विजिट किए थे कुछ दिन पहले वो इनके करेंटली वो चल रहे हैं हेड है चल रहे हैं ठीक है थीके? तो अब ये पे याद रखना आपने आपने दिख रहा होगा जैसे कि इंटरनेशनल बैंक रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन वर्ल्ड बैंक इज द कंपोनेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज द कंपोनेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप तो ये इसमें दो ग्रुप जो आपको दिख रहे होंगे इंटरनेशनल बैंक या निकल ये दोनों को मिला के आपका वर्ल्ड बैंक बनता है कुछ कंट्रीज इसमें मेंबर है कुछ कंट्री इसमें मेंबर है तो दोनों को मिला के जब देखा जाता, जाता है तो उसको वर्ल्ड बैंक कहा जाता है ठीक है ओके ठीक है अब मेरे को थोड़े से इसमें एक थोड़ी सी इसमें सिचुएशन की बात ये भी कर लेते हैं कि जैसे कि अब फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक और इसमें क्या होता है जैसे कि मान के चलिए आई जब पैसे देते आए तो किसी कंट्री को तो वो बड़ी बुरी हालत में होती तब वो देता है तो अब वहाँ पर एक इम्पैक्ट ये भी पड़ता है जो तो शेयर होल्डर होते हैं ना वहाँ से अपने पैसा निकाल लेते हैं अब तो कोई भी आप कोई भी देखें शेयर होल्डर कोई भी कंपनी देखे वो वहीं पर इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे उन्हें पता है डेवलपमेंट के सो डेवलपमेंट के उम्मीद होती है कि हाँ इस कंट्री में डेवलपमेंट होगी पर क्या तो कहते हैं अब वर्ल्ड बैंक समा के जाए तो वर्ल्ड बैंक से पैसा लेना है तो शेयर होल्डर को तो ये लगेगा ना कि हाँ भाई ये डेवलपमेंट करना चाह रही है इंडिया डेवलपमेंट करना चाह रही है तभी पैसे ले तो और थोड़े से इन्वेस्टमेंट हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करेंगे पर अब पाकिस्तान है पाकिस्तान को पैसे की बहुत बुरी हालत बड़ी मंदी छाई हुई है तो वो जब वहाँ पैसे मांगते आई से पैसे मांगते तो शेयर होल्डर को लगता है कि ये डूबने वाली यहाँ से पैसा निकालो यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लो तो ये भी इम्पैक्ट होते हैं तो वो थोड़े से मतलब सिविल सर्विस के लिए हो जाएगा तो वो मैं बाद में कराऊंगा ठीक है तो उसके बाद देखिए अब वर्ल्ड बैंक इनका मैंने बताया वाशिंगडा डी डीसी में है। अब इनके जो हेड है वो है डेविड रॉबर्ट मालपास ठीक है तो ये हमारे अभी प्रेसिडेंट है करंट प्रेसिडेंट हैं इस किसके वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अब उसमें ये कुछ दिन पहले अभी इंडिया में विजिट हुए थे जिनकी नरेंद्र मोदी के साथ भी मीटिंग हुई थी छः सात महीने पहले की बात है तो ये बता रहे थे कि आप क्या क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं वर्ल्ड बैंक आपको बहुत तरह से डेवलपमेंट की वो चीज़ें भी बताते हैं कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं तो आप ये देश में डेवलपमेंट होएंगी आप इस सेक्टर में पैसा डाल सकते हैं तो ये सब चीज़ें बताते हैं ठीक है तो उनको नहीं करते हैं आगे चलते हैं अब आगे है अगला यूएनएफई यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फ़ंड ठीक है अब देखिए यहाँ पे यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फ़ंड क्या होता है ये ऐसे ये मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब कुछ मतलब ऐसी बहुत गरीब कंट्रियों में अपनी मतलब सर्विस प्रोवाइड कर रही है कि जहाँ पे अब तरह से अच्छी प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं है जैसे कि डॉक्टर की मतलब क्या करें हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं है एजुकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है प्रॉपर गाइडेंस नहीं है ठीक है तो वहाँ पर एक तरह से चीज़ें मतलब अपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मेन मैं चीज़ें आपको बताता हूँ वन सेकेंड ठीक है अब देखिए इसमें क्या मेन चिक मेन इसमें चीज़ें हैं कि जैसे कोई भी आपकी अफ्रीका की जो कंट्रीज होती हैं काफ़ी गरीब सी होती हैं उनको थोड़ा से मतलब एजुकेशन वगैरह के पर्पज़ से भी माल न्यूट्रिशन में भी नहीं है तो वहाँ पे जो वुमेंस वगैरह होती हैं कि वहाँ पे जो भी आपके मतलब एक तरह से एजुकेशन पर्पज़ से कह लीजिए या उनकी सैनिटेशन पर्पज़ से कह लीजिए या उनको एक तरह से सेक्स एजुकेशन की तरफ से कह लीजिए तो उनमें बहुत कम उनमें एक तरह से नॉलेज होती है अवेयर होती हैं तो वहाँ पर ये तरह से अपने यूनाइटेड नेशन की ये एक तरह से वो है Uh, मतलब गंगा ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है मतलब पेरेंट तो यूनाइडेड ऑर्गेइजे यूनाइटेड नेशन ही उसी का एक तरह से पार्ट है तो वहाँ पे कुछ कंट्रीज में जैसे यहाँ पे क्या है कि सहारा अफ्रीकन कंट्रीज में तो क्या करते हैं तो सर्विस प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ उन्हें बताती है कि हाँ भाई आपके मिशन क्या जैसे एक सेफ डिलीवरी कैसे हो सकती है बच्चे की और कैसे उसको किस इन्वायरमेंट में रखना है एक सेफ चाइल्ड बर्थ कैसे हो सकता है और उनको ये बताते हैं कि हाँ भाई इक्वल राइट इक्वल राइट के लिए भी लड़ती है कि हाँ इक्वल राइट वुमेन और के मैन के कितने सेम होने चाहिए उसके बाद आपकी मदर की सेफ्टी हेल्थ की सेफ्टी के लिए होना चाहिए और प्रॉपर उनको बताते हैं कि कैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स वगैरह को यूज करना है बर्थ कंट्रोल चीज़ों का यूज करना है ओके तो मैं, मैं स्लाइड लगा रखी है ठीक है तो यहाँ कि जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज इंफेक्शन वगैरह आजकल बहुत हो रहे हैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हो रहा है तो इनके बारे में उनको एजुकेट करती है तो ये एक तरह से सर्विस प्रोवाइड करते हैं उन कंट्रीज में जहाँ पे बहुत लो एक तरह से उनका कह लीजिए एजुकेशन लेवल है या बहुत लो एक तरह से पर व्यक्ति आई पर Human वो है तो एक तरह से वहां पर ये करती है वहां पर इंकरेज करती है लोगों को कि यूज बर्थ कंट्रोल इंक्रीजिंग क्वालिटी इन मूवमेंट डिक्रीज वायलेंस अगेंस्ट वूमेन तो उनको एजुकेट करने का बेसिकली काम करती है ओके ठीक है अब वहां की वो मतलब एक तरह से कही जाए कि यू एन वो वहां की हेड कौन है वहां की एक इस पर्टिकुलर संस्था की हेड कौन है यूएन पॉपुलेशन फंड की यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की तो ये उनका नाम मैंने डाल दिया का नेम ओके, ठीक है अब उसके बाद लास्ट पे आ जाते हैं हम यू यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक तरह से अब ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये कुछ चीजें एक तरह से अनाउंस करती हैं, जिसमें क्या तो मेन मेन आपका क्या हो जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है अभी कुछ रिपोर्ट होते हैं अब बेसिकली करते क्या है ये एक तरह से यूनाइटेड नेशन की व ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बताते हैं कि हाँ किस देश में एक तरह से देशों को रैंकिंग देती है कि हाँ भाई तुम एक पर्टिकुलर अगर देश चल रहा है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें की उनमें मतलब इंप्रूवमेंट करनी है जिससे आप सबको रैंकिंग मिलती है अब ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग मिलती है जिससे पता लगता है कि हाँ भाई कि देश में क्या क्या चीज़ों की डेवलपमेंट की ज़रूरत है वो ऑल ओवर देखते हैं सब कुछ देखते हैं कि हाँ इनके एजुकेशन को उसमें मतलब एक तरह से लिया जाता है उनके क्या मतलब बर्थ रेट कितना है इंफ्रेंट मोटैलिटी रेट क्या है सब कुछ देखा जाता है कि एक कंडीशन क्या है लोगों के पढ़ने की एक कंडीशन क्या है लोगों को सब कुछ मिल रहा है कि नहीं उनकी माल न्यूट्रिशन सब कुछ ये तो देखा जाता है अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये रिपोर्ट जारी होती है अब उसके बाद क्या होता है यहाँ पे ये तो क्योंकि इंडेक्स के बाद ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसके बाद कुछ इन्होंने गोल सेट किए हुए हैं जैसे कि इनका मेन यही होता है कि हर एक कंट्री कोई भी ऐसी कंट्री वो ना रह जाए कि जिसमें क्या तो कहते हैं डेवलपमेंट uh, ना हो पीस ना हो डेमोक्रेसी ना हो या मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ना हो क्राइसिस वगैरह के टाइम में ये हो रहे तो ये सब चीज़ें कुछ उन्होंने बना रखे एक तरह से सेवनटीन गोल्स बना रखे नो पोवर्टी जीरो हंगर गुड हेल्थ एंड वेल वेलबींग क्वालिटी एजुकेशन जेंडर एंड ये सब चीज़ें इन्होंने बना रखे तो इनका मेन पर्पस बस यही होता है कि एक तरह से उन कंट्रियों को हेल्प करना जो बहुत इस चीज़ में डिक्रीज और ये एक तरह से वो करती है मतलब टाइम टू टाइम हर साल एक तरह से इंडेक्स बनाते हैं रैंकिंग देती है कंट्री को जिसमें नॉर्वे सबसे ऊपर होता है इंडिया हमारा एक सौ तीस रैंक पे है तो इससे पता चलता है कि हाँ भाई इंडिया किस जगह पर स्टैंड कर रहा है तो ये सब चीज़ें हैं तो बस यही इसमें मेन है कि आपको बस इतना पता करना है कि इनके मेन अभी के टाइम में जब भी आप पढ़ें तो आपको पता करना है कि एंड टाइम में जब भी आपका एग्जाम देने वो जा रहे हैं तो उसका करंट कौन हेड चल रहा है तो यही इसमें मेन होता है ठीक है बाकी के हम पार्ट अगले उसमें करेंगे जिसमें हम जनेवा की बात करेंगे अगले उसमें जनेवा में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है ओके Thank you.